हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर फेसबुक में हो तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A73 5G के बारे में। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी नेटवर्क के बारे में देख लिए, टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा 2G से 5G तक, ठीक है ये। ये अनाउंस हो चुका था 17 मार्च 2022 में और ये रिलीज हो चुका है 8 अप्रैल 2022 में। ओके, अभी डायमेंशन देख लेते हैं थोड़ा। इसका जो डायमेंशन है वो है 163.7 × 76.1 × 7.6 mm, ठीक है। इसका जो वेट है वो है 181 ग्राम। ये सिंगल है। इसका जो डिस्प्ले है वो है सुपर एमोलेड का, सुपर एमोलेड प्लस 120Hz का है और ये 800 nits पीक इसका पीक ब्राइटनेस है, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.7 इंचेस का और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 87%। इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 1080 × 2400 pixels। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 20:9 ratio। इसका जो PPML पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो है 393। इसका जो प्रोटेक्शन है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अभी इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है एंड्रॉइड 12 का, ये वन यू 4.1 में चलता है। इसका जो चिपसेट है मतलब प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर जो 6 नैनोमीटर में बेस्ड है। इसका जो सीपीयू है वो है ऑक्टा कोर और जीपीयू जो है वो है एड्रीनो 642L। इसके साथ है डेडिकेटेड, आपको यह में नहीं मिलेगा। इसका ये दो वेरिएंट में आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज, ठीक है। अभी थोड़ा कैमरा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये क्वाड रियर कैमरा सेटअप में आता है। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल्स का f1.8 एपर्चर के साथ में आता है। ये वाइड एंगल कैमरा का भी काम कर लेता है, ठीक है। ये OIS का सपोर्ट में भी आता है। जो सेकंड कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ में आता है। ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। जो थर्ड कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के साथ में आता है। ये मैक्रो का काम करता है। और लास्ट कैमरा जो है वो है 5 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के साथ में आता है। ये डेप्थ का कैमरा करता है, ठीक है। इसमें आपको LED फ्लैश भी मिल जाएगा, पैनोरामा भी मिल जाएगा, HDR सपोर्ट में भी आता है। इससे आप वीडियो 4K में भी कर सकते हैं, 4K 30 FPS में कर सकते हैं, 1080p 30 या 60 FPS में भी कर सकते हैं। इसका जायरो ES का सपोर्ट भी आपको इस बैक कैमरा में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर के साथ में। ये वाइड कैमरा का भी काम करता है। इसमें कैमरा आपको HDR सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको। इससे फ्रंट कैमरा से आप 4K 30 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p 30 FPS में कर सकते हैं। लाउड स्पीकर यहाँ में आपको मिल जाएगा 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा मतलब अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। अभी थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ड्यूल बैंड को ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिल जाएगा। यहाँ में आपको GPS मिल जाएगा, NFC मिल जाएगा, रेडियो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो मतलब श्योरिटी नहीं है। और USB आपको Type-C 2.0 मिल जाएगा USB ऑन डाको, ठीक है। इसका जो सेंसर है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर। इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर, ठीक है। बैटरी आप भी देख लेते हैं थोड़ा। इसमें आपको लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी मिल जाएगा 5000 mAh बैटरी का, जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इसमें चार्जिंग आपको मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग 25W का। इसमें आपको तीन कलर मिल जाएगा, ग्रे, मिंट और व्हाइट। इसका दो वेरिएंट है इसलिए यहाँ में इसका मॉडल दो है, ठीक है। आप देख लीजिए, जो पहला मॉडल है वो 8GB 128GB के लिए है और दूसरा जो मॉडल है, मॉडल नंबर है, ये 8GB 256GB के लिए है। इसमें सारे वैल्यू दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। और फाइनली हम लोग प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका बेस वेरिएंट जो है 8GB 128GB, इसका प्राइस है 41,999 rupees।
इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है 8 GB 256 GB, इसका प्राइस है 44,999 रुपीज़। और लास्ट में मैंने कुछ इमेज कलेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश की।